ये मेरा नाम है। कुवा क्या नाम है? पादरीला जी, कुवा खुद चलकर प्यासे के पास आया था। इस पर भी एक शेर है कि प्यासे की प्यास है, दिल बहुत उदास है। यार अगर जीप का ठीक हमें नहीं मिला ना तो समझ ले हमारा सत्यानाश है। चुप करो तुसी। मास्टर जी, आप हमारी मालिनी को तो सिखाएंगे ना? बिल्कुल, कोई शक? लेकिन कैसे मास्टर जी? बहुत आसान, क्योंकि बाबों की तितलियाँ घर की पुरानी दीमक लगी दीवारों से पानी के मानी ढूंढती, पुरानी तितलियाँ झड़ती और जनाब 65 साल का बुढ़ा कंबख्तर बदलते मौसम में लड़खड़ाता है। ये जितना उधरू बोलता, अगर हम उसका 50% भी बोल देगा तो आपका 50 नहीं तो कम से कम 25 जीप का कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा। वो बात तो है। मास्टर एक बात बताओ, ये 65 साल का बुड्ढा किसको बोल रहा है? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं हो सकता हूँ। और इस पर भी शेर है कि आईने से घबराते हो, खुद से क्यों शर्माते हो? क्या खूब, बहुत खूब। मोहतरमा खूब नहीं, खूब 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 खूब। हाँ हाँ हाँ। मत सिखाओ, इस पे हसर होएगा, इस पे हसर होएगा तो उधर कैसे सीखेगा? देखिए जनाब, अगर इन्हें 2 दिन में उर्दू सीखना है तो इन्हें उर्दू में हंसना होगा, उर्दू में रोना होगा, उर्दू में जीना होगा, उर्दू में पढ़ना होगा, उर्दू बोलना होगा, उर्दू बिछाना होगा, यानी कि उर्दू में ही सब कुछ करना पड़ेगा। उर्दू सिखा रहे कि होम साइंस? लेकिन आप ये होम साइंस और होटल साइंस को छोड़िए, और मोहतरमा आप बोलिए आलम। आप लोग यहाँ बाहर तशरीफ ले जाइए। नहीं नहीं, हमारे साथ आप जाइए यहाँ। बाबू जी प्लीज, आप जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए। आप बोलिए, आपको तो सिखाना है, बोलिए आलम। आलम आलम आलम, छोटा नहीं बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, थोड़ा और बड़ा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बाबू जी उर्दू मत बोलो, टेढ़ी क्यों बैठो, सीधी बैठो ना। बेटा वो कह रही कि अगर मुँह सीधा होता तो सीधी बैठती, अब वो टेढ़ा तो टेढ़ी बैठेगी। बहू ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया कि अपनी सास को इंटरप्रेटर रख लिया। ये तेरा लॉजिक मेरी कुछ समझ में नहीं आया, जरा खुल के बता देना क्या चाहती है। बाबूजी मुंह खुलाया, खुल के ही तो बता रही है। ये भी लॉजिक की बात है। तू क्या कर रहा है, डॉक्टर है क्या? ओ यार बाहर जाके देख दरवाजे पे, डॉक्टर का मुँह दिखाई दे रहा है कि नहीं? मुँह दिखाई दे रहा है? अजीब बंदा तो खुद हाजिर है। कमाल कर रहा है यार, बना कहाँ है, पूरी तरह से खुला तो है। बंदा नहीं, बंदा बंदा। ओ बंदा कहना यार, ओ यार हमको बंदे की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। अजी मैं ही डॉक्टर हूँ। अरे यार डॉक्टर है तो इतनी दूर क्यों खड़ा, इधर पास आ इलाज कर। घर तो आसानी से मिल गया था। अरे 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 अरे, इनका तो जबड़ा टेढ़ा हो गया, तू सीखने की कोशिश करी थी के? डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चला? अजी वेरी सिंपल, आप लोगों को मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं है। आई एम LSD। LSD? LSD का मतलब लैंग्वेज स्पेशलिस्ट इन डिजीज। मसलन कौन सी लैंग्वेज बोलने से कौन सी प्रॉब्लम होती है उसका स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीनी बोलने से नाक की नस जाम हो जाती है, तमिल सीखने से जुबान के नीचे चर्बी चढ़ जाती है, पंजाबी सीखने से ऊपर का जबड़ा और उर्दू सीखने से नीचे का जबड़ा टेढ़ा हो जाने का खतरा होता है। हाँ जी क्यों नहीं, क्यों नहीं, जब हम आगे तो ठीक क्यों नहीं होंगे जी। लो जी अभी लो। ये नारुनरा तमिल सीखते सीखते जो इनकी जुबान पे चर्बी चढ़ गई ना, ये उसने पकड़ के खींचेगा। इसे अंदर रखिए, उर्दू के लिए क्या है वो दिखाइए। हाँ जी उर्दू का इलाज तो बहुत आसान है साहब, ये छोटी सी गोली इस पान के साथ खाते हैं और सावधानी के तौर पे कई दिन तक बड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मतलब किसी भी शब्द के साथ
ई नहीं बोल सकोगे। ये क्या बात हुई जी, बहू को अगर इडली खानी है तो क्या बोलेगी, अडला खाना? पिंकू की बजाय मुझे पंकू बुलाएगी। आप मेरी बात सुनो जी, बात सुनो, दो दिन की बात है, ये पान के साथ ये गोली तो खिलाओ, मैं कहूँ गोली अंदर और उर्दू बाहर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ फीस कितनी हुई जी आपकी? जी सिर्फ 501 रुपए। 501? हाँ जी, एक गोली के और 500 पान के। माशाल्लाह मोहतरमा, आज तो आपका जबड़ा पहले से बेहतर लग रहा है। थैंक यू। और मैं तो ये समझता हूँ मोहतरमा कि इसी तरह उर्दू सीखते सीखते दो चार बार और अटक गया तो आपका जबड़ा दुनिया के अच्छे अच्छे जबड़ों में से एक जबड़ा होगा। तारीफ बहुत हो गया, अभी शुरू करें, शुरू करें। देखिए देखिए, मेरे सामने ये सब मत कीजिए क्योंकि मैं आपका डांस मास्टर नहीं हूँ बल्कि उर्दू का उस्ताद हूँ, कलम फुलजार, और आप मेरे शागिर्द हैं। चलिए एक शेर बोलिए। ओह शेर, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब है कि शायरी वाला शेर, पोएट्री। अयो वो शेर, ये ना मड़तनमा पे शेर, अगर हमको वो शेर आता तो बकरी बन के आपके सामने ऐसे बैठता। हाँ ये भी ठीक है, तो शेर मुझसे सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। कि उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अयो ये निधि मास्टर जी, अगर उजाला आपके साथ लेके जाएगा तो हमारा घर जाएगा। ये कैसा शेर है, थोड़ा उसका थॉट को थोड़ा चेंज करो ना। किस बात कर रही मोहतरमा, अरे बड़े बड़े उस्तादों का लिखा हुआ शेर है, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? हाँ बारे चेंज, मैं शेर ही चेंज कर देता हूँ। जरा गौर से सुनिए, अर्ज किया है कि ऐसी सादगी पर कौन ना मर जाए ऐ खुदा, कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मास्टर जी ये कैसे बात करता है मास्टर जी, उधरू कितना स्वीट लैंग्वेज है, इसने भी तलवार चलाना सिखाता है मेरे को। नहीं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको उर्दू सिखाते सिखाते मेरी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अवधी और भोजपुरी की भेलपुरी हो जाएगी। भेलपुरी? मास्टर जी भेलपुरी मेरा बहुत फेवरेट आइटम है। कड़वुल पुण्यत ले, हमारा उधर का कोर्स सक्सेसफुल हो जाएगा ना मास्टर जी, आपको जरूर खिलाएगा। कल कब आएगा? कभी नहीं आएगा, और ना ही आपको उर्दू सिखाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, आई एम ट्राइंग टू टीच यू उर्दू and you are not understanding and you don't want to understand and you will not understand, that is why I am standing and I am going, in fact I am running and nobody can stop me. ab urdu seekhne wala student mujhe milta raha na to I think I will not be able to teach urdu anybody anywhere in the world, that is why I am leaving. जी से उधरों नहीं इंग्लिश सीखना चाहिए। तिरुपति बालाजी, हम कितना कोशिश किए उधरों सीखने का, अब क्या करूं, अपना ज़बान काट दूं क्या? एक बात बोलो आप, हम जितना हिंदी बोल सकता है उतना तमिल क्या वो लोग बोल सकता है? पाड़े पड़े मरी के कुड़ कुड़ते कीड़े बिड़ते या बच्चे से टाइम काटते हैं, मगर ये लोग तमिल क्यों बोलेगा? हमें शादी करके इस घर में आया ना, किस लिए? इस घर की खुशी के लिए, हमको ये कुछ करना पड़ेगा। नहीं सीखेगा तो 50 जीप का ठेका नहीं ठेंगा मिलेगा। हमारा फादर इल्ला जी का 75 लाख का नुकसान, नुकसान। भाभी ये क्या कर रही हो? भगवान के पास फिल्म के क्लाइमेक्स में जाने का? अभी मैं हूँ ना, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। अयो बाबी भैया, तुम ही पार करेगा हमारा नैया। हमारी हर फिल्म में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अरे जम के ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे रिहर्सल करेंगे, आपकी उर्दू एकदम बढ़िया हो जाएगी, फिर देखता हूँ कौन सा मंत्री जीत का ठेका नहीं देता है। ओके रेडी, डायलॉग याद है ना? शुरू करते हैं। भैया मेरा कैरेक्टर क्या है? बहुत अच्छा है, मेरा खराब है, मंत्री का रोल करता हूँ ना। ओके रिहर्सल शुरू करें। मियां प्रेम जी, हमें जान के बड़ी खुशी हुई तुम्हारी बहू उर्दू जानती है। वो तो इसलिए मेरे हुजूर कि लखनऊ के ऐसी कोई फिरदौस नहीं जो गब्बर के अड्डे पर। शोले के गब्बर सिंह को कहाँ से गुजारो?
से शुरू करते हैं। मालिनी, उर्दू के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ताबीज बना कर पहनूं उर्दू को दिल में, मगर पहले 50 टांगों का ठेका तो इस बसंती को दे दो। पहले ठीक से उर्दू बोलना तो सीखो। तुम और तुम्हारा उर्दू, मैं उर्दू बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, मगर जाओ जाके पहले उस आदमी का उर्दू चेक करो जिसके नाम पर ठेका है। पहले उस आदमी का उर्दू चेक करो जिसकी वजह से मैं इस घर पे आई। पहले उस बहू का उर्दू चेक करो जो इस घर की बड़ी बहू है। तुम भी जवाब दो, जिसने ठेका लिया वो तुम्हारा कौन था? कोई नहीं। वो जिसके लिए तुम शादी करके इस घर में आई वो तुम्हारा कौन है? कोई नहीं। वो जो बहू इस घर में पहले से थी वो तुम्हारी कौन है? कोई नहीं। मंत्री भैया ऐसा मत बोलो, वो हमारा फादर इन लॉ जी, हस्बैंड सिस्टर इन लॉ जी। इन सब से रिश्ता जोड़ने के लिए हम उधर सीखने की कोशिश करता। भाभी तुम उर्दू बोलना नहीं सीख सकती। कबाड़ी के बच्चे। भाई यार तू क्या रद्दी की दुकान चलाता? ना कल से फोन कर रखा है कि जितनी भी उर्दू की मैगजीन अखबारें किताबें हैं और नई है पुरानी जितनी भी यार सारी हमारे घर भेज दो, अभी तक कोई नहीं आया। कल यार कल नहीं, मुझे आज चाहिए, अभी के अभी। और अभी के अभी नहीं आई ना तो मैं समझ लूंगा तेरा रद्दी का धंधा एकदम रद्दी है। मैं क्या जी, इन रद्दी की किताबों का आपने करना क्या है? प्रेम कौर जी तुसी समझे नहीं, ऑडियो खराब हो ना तो वीडियो तो सही कर लेना चाहिए। मतलब क्या आपका? ओ लाला लॉरी लाल आएंगे, मालिनी बहू की गलत उर्दू सुन के बहुत नाराज होंगे, लेकिन हो सकता है किताबों के थ्रू इतना सारा उर्दू का मटेरियल देख के खुश हो जाए। 50 जीप के ठेके का सवाल है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मेरे पापा जी क्या करते थे, पुत्र ठेका और दुश्मन बार बार हाथ नहीं। हाय भाभी, हाय मॉम, पुत्र हाय हाय करना बंद कर। यार ये बल्ला छोड़ और 50 जीप के ठेके के बारे में सोच। पिंकू भैया, काश आप किसी प्रॉपर हिंदी स्पीकिंग पंजाबी लड़की साथ शादी करते। भाभी इनफ। देखा बाबूजी, कल की आई हुई बहू के लिए हमें बोल रहा है इनफ। इनफ। ओए तूने खामखा बहू की साइड ली ना तो तेरा सड़ा हुआ बैट घर से बाहर फेंकूंगा, खेड़िया स्टेडियम में गिरेगा। आपको मुझे जो कहना है कह दीजिए, लेकिन मेरे बैट पर कमेंट पास करने का आपको कोई अधिकार नहीं। सुना जी, चौका छक्का मारा नहीं जाता, डायलॉग मार रहा है। तुम ही डायलॉग सुन, आज पेड़ को उसकी डालियां चुभने लगी। पहले मेरे बैट पर कमेंट, अब मेरे बैट पर कमेंट। हर्ट बाबूजी, आई एम रिटायर्ड हर्ट। अरे पुत्र पैड नहीं यार, पेड़ 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 यानी कि मैं यानी ट्री और डाली यानी ये मेरा नलायक पुत्र। कमाल है जी, मुहावरे में बात करके समझाने की कोशिश कर रहा था, गधा समझता है। जब उसे नॉर्मल बात समझ में नहीं आती तो मुहावरे में बात करते क्यों हो? आप मैडम कहने हो तो कुछ भी कह दो, मेरा नाम है जुम्मन रद्दी वाला। अब मालिनी मालिनी आइए, बीए इन तमिल इसमें इंग्लिश भी शामिल। मैडम आप मालिनी या हेमा मालिनी, आपके इंट्रोडक्शन से मुझे क्या मतलब? मैं तो यहाँ किताबें बेचने आया हूँ। ये देखो ये उर्दू के बेहतरीन राइटर की किताब दीवाने गालिब, ये देखे दीवाने मीर और ये दीवाने इकबाल। अयो भैया इतनी दीवाने का शहरी पड़ेगा हम खुद हो जाएगा, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको तमिल से हिंदी उर्दू सीखने का डिक्शनरी चाहिए। अरे तो मैडम पहले बोलना था हाथ में पकड़े की घड़ी लाओ दे और अपनी लाइब्रेरी में डाल दे दो। जी है मैडम, तमिल से हिंदी और हिंदी से उर्दू सीखने की डिक्शनरी। यार मैं तो बड़े यार हम बना सोने दो। चैन चैन ची ची चिमची चिन्हा चीचक जोबन जोतना जुआ जूजा जोरू जला। ये क्या जला रही हो? जला जी 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 जाप जपना जपा जपी जमाना। ओए भाभी, ओ पिंकू, ओ यार उर्दू की किताबें जरा ठीक ठाक जमा लो, मंत्री जी पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। ओए मंत्री जी आए तो पता है ना क्या कहना है? मंत्री जी आदाब है। वाह वाह भाभी पुत्र तुसी ग्रेट। ओहो बाऊजी तुसी ग्रेट हो नहीं, उर्दू
में बोलिए आप आला हो, बिन चाबी के खुल जाए वो ताला। लाहौरी लाल जी आप ही हमारी रोटी हो, आप ही हमारा निवाला। 50 शीपों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसे वो किस्मत वाला। वाह भाई वाह, आज जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी तरह शेर बोल रहे हो। आला शेर नहीं मंत्री। जीप कॉन्ट्रैक्ट चेक वगैरह सब बाद में, पहले बहू। बहू आइए आइए, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। भाई माशाल्लाह उर्दू की इतनी सारी किताबें। हमारी बहू को उर्दू की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। आदाब। आदाब। सवाल है कि इस महंगाई के जमाने में कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि मेरी माँ के मांग के सिंदूर का मान रखे ताकि ममूनियत के मुंह में मुंह अजन होने का मौका मरा सके। शाबाश। शाबाशी के शाकसानो तो शादी के शादी आने के साथ ही शीशे के शमशीर में जाजू नादिरी कराने के लिए शेरी के शौक में शर्म। बहुत खूब बहुत खूब। भाई प्रेमजीत तुम्हारी बहू के मुंह से उर्दू सुनकर तो मेरी आंखें खुल गई। तो हुजूर इन्हीं खुली आंखों से चेक पे साइन भी कर दीजिए। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह 25 स्टैंपों का नया कॉन्ट्रैक्ट भी तुमको दूंगा। क्या बोली आप? हम फरमा रहे थे कि आज के अमीरों के आमदनी के औसत। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मान गए जान गए। मोहतरमा आप उर्दू की बहुत बड़ी आलिमा है। आइए ये लीजिए 50 जीपों का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा, ये 75 लाख का चेक तुम्हारा। जी धन्यवाद। धन्यवाद नहीं शुक्रिया करम कहिए। जी आप हमारी गड्डी हम आपके पहिए। मुबारक हो। अलविदा। अलविदा अलविदा अलविदा। अयो तिरुपति हमको उधरू नहीं आता, पर ये लोग समझता कि हम उधरों का पंडित। हमने इतना बड़ा झूठ बोला, हमको पाप लगेगा। तुमने भी हमको नहीं रोका, तुमको भी पाप लगेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा ही गलती है। ची 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 देवड़ा देवड़ा देवड़ा, हम क्या करें। मंत्री जी। मंत्री जी नहीं वजीरे ममलिकत का हो। ये सब हमको नहीं आता। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती हो। सच बात ये है कि ये बात झूठ है कि हम सच्ची 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 बोलता, कि हम जो बोला वो सच नहीं था, सच है कि झूठ था। अभी जो वो बोला वो सच है, इससे पहले जो देवड़ा देवड़ा मैं क्या बोल रही, मैं खुद एक मिनट सर, वन सेकेंड। हम झूठ बोला सर, हमको ये उधरू गिधरू नहीं आता। डिक्शनरी का 7 पेज बाय हार्ट करके ये सब उधरू बोला। क्या इतना बड़ा फ्रॉड? फ्रॉड नहीं है सर, धोखा धोखा। हम आपको खुश करने के लिए आपको ही धोखा दिया। हमको माफ करना सर, हमारा फादर इन लॉ जी को खुश करने के लिए उसके ये सब नाटक किया। ये चेक वापस ले लो सर, टेक दिस चेक वापस प्लीज। नहीं नहीं मैं ये चेक वापस नहीं ले सकता। तुम उर्दू नहीं जानती, लेकिन तुम वो जबान जानती हो जो बड़े कमाल की जबान है, बहुत बड़ी जबान है। ये पैसे हम झूठी, ये पैसा गलत। झूठ और बेईमानी के रास्ते से जो पैसा घर में आता है ना जी, उस पैसे से घर का सुख शांति नाश हो जाता है। हमको झूठ बोल के करोड़ रुपए भी मिल जाए ना सर, हमको नहीं चाहिए। सच्चाई के रास्ते रू का सू का रोटी भी वो तिरुपति हमको देगा तो हम करोड़पति। ये वापस ले लो सर प्लीज। कोई बात नहीं, उर्दू ना सही हिंदी ना सही, पर तुम्हें दुनिया की सबसे मीठी जबान आती है, ईमानदारी की जबान, सच्चाई की जबान, जो आजकल कहां बोली जाती है। इसलिए इस चेक की हकदार तुम, सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली ही हो सकती है। प्रेमजीत तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसी नेक और प्यारी बहू मिली है। अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ, अलविदा। ओए बहू तू तो हमारी शान है। सस्काई बहू है मेरी। माननी पिकुना
करता है। हमको हिंदी, तमिल, उर्दू, कन्नड़ा, मलयालम सबके भाषा में शर्म का फीलिंग आता है।